हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ये कोई ब्लॉग श्लॉग नहीं है, बट मेरे पास एक व्हाट्सएप पे दोस्त ने एक न्यूज़ शेयर की थी कि मेरे बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं अमान सिद्दीकी, सिद्दीकी बॉस के नाम से आप जानते होंगे, तो उनको ब्लड कैंसर जो है ना डायग्नोस हुआ है। तो ये सुनकर ही मैं घबरा गया और मैं फ़ौरन ही मैंने कॉल की और मैं उल्टे पैर मैं अपने मतलब जानते मैं फ़ौरन ही आया हूँ। तो ऑब्वियसली रिपोर्ट्स अभी मैंने पढ़ी हैं, रिपोर्ट्स काफ़ी क्रिटिकल हैं और रिपोर्ट से ज़्यादा जो उसके अंदर जो तखमीना है, उसका जो दवाइयों का जो खर्चा है ना, जो कोर्सेज डॉक्टर्स ने लिखे दिए हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब अगर कोई जानता है किसी की फैमिली में किसी को हुआ हो इस तरह का ब्लड कैंसर, तो वो जान सकता है कि वो कितना मतलब एक्सपेंसिव होता है। मंथली उसकी जो टैबलेट्स आती हैं वो कितनी महंगी आती हैं, जो डॉक्टर्स ने इनको रिकमेंड की है, जो इनको खानी ही खानी है, मतलब रिकमेंड किया अब वो खानी खानी है। तो मैं भी अमान के साथ ही बैठा हूँ और काफ़ी जो है ना, ये अमान भाई कैसे हैं आप? भाई अमान घबराना नहीं है भाई, हम हैं सही है। ये अभी ये अमान की जो पोजीशन है ना, ये लेट भी नहीं सकते सही से, ये बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि इनके अभी ज़ख़म भी मैंने देखा है, क्योंकि दोस्त हैं भाई हमारे, तो ज़ख़म देखा और मैं लिटरली मैं डर गया हूँ बाकायदा कि यार इस तकलीफ़ में वो तुम इफ्तार ड्राइव में भी आए थे और यही तकलीफ़ थी, तुमने बताया तक नहीं, ये बड़ी शर्म की बात है यार। नहीं, मैं शर्म की बात नहीं, मुझे ये लगता है कि आप जब कोई अच्छा काम आप कर रहे होते हो ना, तो आपको दर्द में आधा सुकून मिल जाता है, पर ये सोच के मैंने ये सारे काम किए। आइंदा भी इंशाल्लाह आपको कोई काम होगा मैं आऊँगा, हालत जितनी भी ख़राब हो इंशाल्लाह मैं। यार ये तमाम रिपोर्ट्स अभी हमने देखी हैं, पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स हैं, हज़ारों रुपये के मतलब हज़ारों लाखों रुपये इसमें मतलब इनके गए। और अभी जो टैबलेट्स, अमान क्या टैबलेट्स का क्या कह रहे थे तुम, जो टैबलेट्स तुम्हें खानी है मंथली पाँच साल तक खानी है, अब वो पड़ेंगी तकरीबन 90,440 रुपये की 28 टैबलेट है। अगर मैं दो सुबह दो रात खाता हूँ तो एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगी, और अगर वो बढ़ जाती है डोज तो फिर और जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो अप्रॉक्स कोई 4 लाख रुपये मतलब 48 लाख रुपये सालाना है, और वो भी डिस्काउंटेड रेट है, और अगर आप और कोई सिफारिश लगा लोगे, कोई बातचीत कर लोगे तो कुछ डिस्काउंट और हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी प्राइस है कि जो आसानी से कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता हो। तो मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है, आपके चैनल के तवस्सुफ देखने वाले जितने भी लोग हैं, अल्लाह किसी को भी इस तरह की किसी बीमारी में मुबतला ना, बल्कि अल्लाह इंशाल्लाह ताला तुम्हें भी सेहतियाबी देगा। और भाई आप तमाम लोगों से दुआ की अपील है, बड़ा अच्छा दोस्त है यार, आप लोग सब किसी ने एक दफ़ा शायरी तो सुनी होगी अमान की, तो एंटरटेनर है ऑब्वियसली, अभी जो सिचुएशन है एक आर्टिस्ट की। तो और बड़ी अच्छी बात यह है कि मैंने अमान को बोला, यार अमान हमारे पास और भी दूसरे ऑप्शंस हैं, कि अगर तुम्हें फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है या किसी तरह की, तो इसने लिटरली मना कर दिया। इसने बोला नहीं, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना घर तक भेज दूँगा बट मैं अपना इलाज खुद करवाऊँगा। तो यार उदार बंदा है और इसको फंड्स की ज़रूरत नहीं है वो दारी की वजह से। बट एक चीज़ है जो अभी मैंने सुना, मैंने बोला अच्छा रेस्टोरेंट की क्या अभी सिचुएशन है, तो वो बता रहा था कि यार रेस्टोरेंट पे चूँकि मैं हूँ नहीं अवेलेबल, तकलीफ में बेड पे लेटा हुआ बंदा, तो लोग जो ज़्यादातर आते थे ना रेस्टोरेंट पे बुकिंग करवा के या बर्थडे के लिए, वो अमान को देखने आते थे। अब इस तकलीफ में अमान कैसे रेस्टोरेंट जाएगा, जिसकी वजह से 70% सेल जो है ना वो डाउन हो गई है। मतलब ये मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ तो मुझे आइडिया है, अगर किसी रेस्टोरेंट की 70% सेल डाउन हो जाए तो ऑलमोस्ट क्लोज के करीब आया था, क्योंकि वो जो रिमेनिंग 70% है वो तो भाई कॉस्ट होती है या सैलरीज में चले आया। तो हम किस तरह अमान को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक तो अमान का जो चैनल है उस चैनल को जाके आप तमाम लोग सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ देखें। उसकी वजह क्या है वीडियोज़ देखने की, कि वो वीडियो से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो फेसबुक पर आप वीडियोज़ देखेंगे या आप YouTube पे देखेंगे उसको शेयर करें, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब ये आप लोगों की तरफ से एक सपोर्ट ही है इस तरह से इनडायरेक्ट सपोर्ट। तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, एक तो वो सपोर्ट मिल जाएगी अमान को अपनी जो जितने भी अखराजात हैं उसको कवर करने से, और दूसरा ये कि ये जो SB रेस्टोरेंट है इस पर आए आप एटलीस्ट हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा, कोई ना कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है आके खाना ज़रूर खाएँ। इससे भी इनडायरेक्ट आप सपोर्ट भी कर रहे होंगे और बंदे की जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट भी वहीं की वहीं होगी, ज़मीर भी वहीं की वहीं होगी, कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस है आप उसको सपोर्ट करें, क्योंकि 70% डाउन हो गई है। अब मैं चाहूँगा कि भाई बाहर इतना रश हो कि टेबल्स नहीं मिलें। बट एक और चीज़,
जिस तकलीफ में बंदा है ना, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि यार ये बार बार आएगा, आप लोगों की तब तस्वीरें खिंचाएगा। यहाँ थोड़ी सी आप लोग को जो ना सब्र और थोड़ा सा पेशेंस रखें भाई, बंदा रहेगा, बंदा अपने पैरों पे आपको आज ही कल मिल जाएगा, बट उसके लिए उसको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, उसको ये पूरा कोर्सेस करने की ज़रूरत है। तो अमान के चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें और इसके रेस्टोरेंट को सपोर्ट करें। और अमान भाई मैं चाहूँगा कि तुम उस पर कुछ ना कुछ ब्लॉग्स भी डालो, ताकि लोगों को जो है ना, लोग मैं चाहूँगा दो दो ब्लॉग डालो, तो शायरी लोगों को सुनाओ। मैं कोशिश करूँगा जो जनरल रूटीन के काम है वो ब्लॉग बना के डाल दिए। तुम्हारी टीम भी अभी मैं देख रहा हूँ, ये लोग खड़े हुए लड़के यार, ये बड़े, ये अभी भी अमान के साथ जो है ना, ये हर वक्त साथ रहते हैं यार। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, ये बड़े बड़े यार, ये मेहनती लड़के हैं। और ये अभी रात के तकरीबन देखें 12:15 हो रहे हैं और ये मौजूद हैं, और ये मेरे ख्याल से पूरा दिन ही तुम्हारे साथ रहते होंगे। ये मेरे अच्छे वक्तों के साथी नहीं, बुरे वक्तों के साथी यार। ये चीज़ ये बहुत अच्छी, इन्होंने ना अच्छे वक्तों में तो शायद मेरा साथ छोड़ा, ये बुरे वक्तों में पीछे नहीं रहते यार। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला इन लोगों को भी जो है ना तरक्की दे, इन लोगों की भी कामनाएं पूरी करे। बहरहाल इंशाल्लाह ताला भाई तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, और विल पावर जो है ना, ये विल पावर रखनी है। और ये छोटी मोटी बीमारी है यार, इतना बड़ा बंदा कुछ नहीं कर सकती, विल पावर नहीं छोड़नी, विल पावर आपको उठा देगी बिल्कुल। तो ये बहुत सारे लोगों को तो क्यूरेबल है यार, पहली बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये क्यूरेबल है। बस ये है कि बस थोड़ा सा जो फाइनेंशियली जाहिर सी बातें मसले आएंगे, तुम कह रहे हो एक महीने से तुम बैठ पे हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस हुआ। ऐसे ही बिजनेस में लॉस हो गया, एक महीने से बैठ पे था। अच्छा मुझे ये लग रहा था कि एक महीने का लॉस है, मैं ठीक हो जाऊँगा, अब मैं उड़ी जाऊँगा, लेकिन वो उठने से पहले ही एक दूसरी बैठनी हो जाकर, वो जो है खुदा जो है वो बहुत बेहतरीन लिखने वाला। तो जब मैं ना, मुझे ऐसी कोई बीमारी होती एब्सेस की, ना उसका ऑपरेशन होता और ना मेरा कैंसर पकड़ में आता, तो अल्लाह की मैं सोच रहा था इतनी तकलीफ़ मुझे क्यों दे दी। शायद अल्लाह ने इसलिए दे दी कि एक बड़ी बीमारी को अल्लाह को पकड़वाना था। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि उसने जो है वो बीमारी दी, तो साथ साथ हौसला दिया, साथ साथ बर्दाश्त की ताकत दी। और जो ये 125 किलो वजन का लोग मजाक उड़ाते थे, अब इसमें से रिड्यूस होगा तो भी काफ़ी, तुम बल्कि कमज़ोर लग रहे हो। नहीं, वो अभी रिड्यूस होगा तो भी 80-85 पे ही जाएगा। जब बिल्कुल कमज़ोर हो जाऊँगा तो भी 80-85 पे ही जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह आफियत का मामला करे। हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है, बेहतरीन लिखने वाला। और एक और चीज़ में बोलना भूल गया कि यार, अच्छा अगर कोई जैसे कि ब्रांड्स होते हैं ना, इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोग भी आ सकते हैं अमान के ब्लॉग्स में आकर इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, तो अमान इससे भी एक तुम्हें अच्छा मतलब एक बिजनेस मिलेगा तुम्हें। तो अगर आपको किसी भी तरह की मार्केटिंग करवानी है तो ब्लॉग्स की सूरत में करवा सकते हैं आप, वो ब्लॉग फेसबुक पर भी डालेगा अमान, और पूरी टीम सिद्दीकी बॉस की, और साथ में यूट्यूब पे भी डलेगा, तो आपको एक अच्छी रीच भी मिलेगी। ये ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, तो आप इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट पे आएँ, खाने खाएँ या घर पे मंगवा लें। और दूसरा ये यूट्यूब पे जितनी वीडियोज़ चल रही, ये वीडियोज़ आप देखें, आप इसके एड्स देखें पूरे, आप इसी तरह सपोर्ट कर सकते हैं अपने आर्टिस्ट को। देखिए आपने कहीं ना कहीं आपने टिकटॉक वीडियो देखी होगी अमान की, आपने ब्लॉग्स देखे होंगे, आपने वो ड्यूट करते हैं ना, वो भी आपने किया होगा। इनकी शायरी पे आपने लिपसिंग तो की होगी ना, तो फ्री में आपको शायरी मिल गई। अब पे बैक का टाइम है, थोड़ा सा आप हिम्मत करें और आप लोग इस तरह सपोर्ट करें ताकि उस बंदे का मतलब हौसला अफजाई हो। और विल पावर जो है ना, मेन चीज़ है जो तुम्हें रखनी है। अभी मेरे पीछे बाबा काफ़ी टाइम से पड़े थे कि यार ये बाबा ने बताया कि यार ये सीन हुआ है अमान के साथ, सो हम भागे भागे आए। तो बाबा मैं कहूँगा आप भी अपने, आपके भी काफ़ी सारे फैंस हैं, तो सबको बताएं कि भाई जितने भी ये जो देख रहे हैं ना, इनकी इनका कंटेंट जाके देखें। भले आप ये जो मेरा व्लॉग है ये ना देखें, मगर अमान के चैनल पे जाके आप ज़रूर देखें। और ये वीडियो मैं बिल्कुल एडिट नहीं कर रहा अमान, ये एज इट इज़ रिकॉर्ड हुई है, इसको कोई एडिट नहीं करना, एज इट इज़ मैं डालूँगा इसको, ताकि जो सिचुएशन है वो पता चले, बाकी कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला तुम जल्दी खड़े हो जाओगे। आप असल में खुद एक बेहतरीन इंसान हो, मैंने आपके काम देखे, बहुत अच्छे आप आर्टिस्ट हो लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी हो। यार फिलहाल मैं चाहूंगा मेरा छोड़ दो अभी जो है ना, तुम्हारा सबसे ज्यादा फिक्र हो रही है वो अस्पताल का है। उसको मैंने जितनी बार देखा ना, बड़ा मुस्कुराता हुआ देखा, और अभी बिला बने में परेशान है। हम तो कह रहे थे कि इनके हाथ का शरबत हमने नहीं पिया, वरना सारा इल्ज़ाम जो है मेरे भाई के शरबत पे आ जाता, और ये बिला वजह परेशान है। नहीं, इंशाल्लाह ताला सब सेट हो जाएगा। अभी शफीक भाई थोड़े मसरूफ थे, वरना वो भी आते, वो भी कह रहे थे मिलने का। इंशाल्लाह ताला फिर भी हम कभी चक्कर लगाएंगे।
और तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना आके खाएंगे और बिल देंगे। ये कोई हरकत नहीं करनी कि यार आए या बिल नहीं लेना। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी आऊँगा, फैमिली को भी लेकर आऊँगा और मैं चाहूँगा कि तमाम लोग आएँ। और थोड़ा सा अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई कंप्लेन हो जाती है, तो भाई दरगुजर करें। घर में भी तो कभी कभार खाने में बाल आ जाता है ना, तो आप खाना फेंक तो नहीं देते। सो यार थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपको, हमारे इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाओगे, कोई मसला नहीं है। सो ये वीडियो मैं बिल्कुल एडिट नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज़ डाल रहा हूँ। जो सिचुएशन थी तो मैंने सोचा कि भाई एज इट इज़ ये इसको वीडियो को डालता हूँ। ये मेरी तरफ से एक थोड़ी सी लोगों को अवेयरनेस जाएगी, पता चलेगा कि यार ये बंदा किस सिचुएशन से गुजर रहा है। लोगों को बस ये है कि भाई रेस्टोरेंट पे अमान नहीं है तो भाई हम नहीं आ रहे। तो यार सिचुएशन देखो बंदे की, आप रेस्टोरेंट पे आना ना छोड़ें, आप आपकी जो प्लान्स है वो रखें अपने। फिर कभी इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, आराम से मिलेंगे, आराम से वीडियो बनाएंगे, शायरी कस्टमाइज शायरी करके देगा हमारा। आप अपना नंबर लिख के अगर काउंटर पे दे देंगे अपना नंबर और अपना नाम, तो मेरा वादा है मैं पूरी कोशिश करूँगा आपसे कॉल करके, जब मेरे पास आधा एक घंटा दिन में स्पेयर होगा बात भी कर लूँ, और जिसकी जो फरमाइश है वो उनको व्हाट्सएप करके पूरी भी कर दूँ। मैं यहाँ तक भी कोशिश कर लूँ इंशाल्लाह ताला। चलो हमारे घबराने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह ताला यार सब सेट हो जाएगा। सही है, और वैसी शायरी करनी है तुमने, वैसी स्लो मोशन में चलना है इन लोगों के साथ। ये लोग चल रहे होते हैं ना, और बड़ा तुम जलील भी करते हो, मैं देखता हूँ उसको। तो इंशाल्लाह ताला यार ये सब चीज़ें कैरी, बस ये रखनी है आगे, कंटिन्यू रखनी है भाई। हम भी देखते हैं तुम्हारी वीडियो, हम भी तुम्हारे फ़ैन ही हैं, समझे। चलो यार अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो मैं एज इट इज़ डाल रहा हूँ, तो मैं खाली ये सपोर्ट के लिए वीडियो थी, तो कोई प्लान नहीं था। मैं आया मिलने, मैंने पोस्ट देखी और बाबा भी परेशान थे कि यार ये हुआ, तो मैं हम फ़ौरन भाग कर आए यहाँ पर। तो विदाउट एडिट ये वीडियो डाल रहा हूँ, प्लीज़ इसको अगर शेयर करना चाहें कर दें, बट मेन मुद्दा ये है कि भाई अमान को सपोर्ट करें, इसके चैनल को सपोर्ट करें। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, होगी मैं आपको बोलूँगा, बट ये वीडियो सिर्फ इस वजह से देखें कि अमान को आपने किस किस तरह सपोर्ट करना है। चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अमान सब सेट हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। अल्लाह हाफिज़।